गुड आफ्टरनून एवरी वन आई एम फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड ऑल द सीनियर ऑफिसर्स माई बैंकिंग सेक्टर कलीग्स एंड माई डियर फ्रेंड्स आई एम नैन्सी अग्रवाल आई एम चीफ मैनेजर लॉ इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद मी आई हैव मिस्टर गौरव एंड मिस्टर अंकुर मैं स्टार्ट करूँगी एक अपने छोटे से एक्सपीरियंस से आज मैं सुबह उठी तो मैंने देखा फ्रिज खोला तो सब्जी नहीं थी तो मैंने ब्लेंकेट ऐप खोली उस पर यू पी पेमेंट करी और दस मिनट में वेजिटेबल्स मेरे घर पर आ गई हाफ एन आवर बाद मेरी कुक आई उसने बोला दीदी दो सौ रुपये चाहिए उनका क्यू आर कोड लिया और दो सौ रुपये ट्रांसफ़र कर दिया एक घंटे बाद मेरी छोटी बहन जो बैंगलोर में पढ़ रही है उसने कॉल किया और बोला दीदी फीस ड्यू है उन्होंने मुझे लिंक भेजा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैंने उनकी फ़ीस भर दी मैं घर से ऑफिस ले निकली पार्किंग में जो टैग होता है फास्ट टैग से पार्किंग चार्जेस डिडक्ट हुए जो बैरियर होता है वो ओपन हुआ और मैं ऑफिस ले निकल गई और ऑफिस के बाद आज मैं अब आपके सामने हूँ आई थिंक इन द स्पैन ऑफ थ्री टू फोर आवर्स मैंने बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर के समावेश से जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करे उनकी काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते हैं सो so, टुडे

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टॉप फाइव पब्लिक सेक्टर में से एक है आज हिंदुस्तान में 21.71 ट्रिलियन का बिजनेस क्रॉस कर चुका है और आज आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे यूनियन बैंक की ब्रांच है और कहीं यूनियन बैंक की ब्रांच नहीं है तो वहां पे हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सो so, एट प्रेजेंट 8,500 प्लस ब्रांचेस यूनियन बैंक की अक्रॉस इंडिया है यूनियन बैंक का जो बिजनेस है इस स्लाइड में मैं आपका

कंट्री फ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री यूनियन बैंक बहुत से डिजिटल इनिशियटिव लाया है uh, उन सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको डी बी यू के बारे में बताना चाहूंगी विच इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भारत सरकार ने कुल पिछहत्तर सेवेंटी फाइव डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की परमिशन दी एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी कुड हैव द सेवन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट नितिन कटकरी जी के द्वारा हमारे बॉम्बे ऑफिस में इनॉग्रेट किए गए एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ऑफिसर्स से कि वो इस पे एवी एक दिखाएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डीबीयू व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट काइंडली प्ले द एवी प्लीज गुड आफ्टरनून ऑल मैं गौरव पटेल आई टेक केयर ऑफ कॉर्पोरेट वेंचर सेंटर एट दिस ऑफिस जैसा कि नेंसी मैम ने बताया कि आउट ऑफ द

and uh, out of these 8500 branches hum, Abhi, every day we are trying to add more of these digital banking units because this saves a lot on cost and plus these are very customer centric and uh, these are some of the other uh, इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि हमारे बैंक ने लिए हैं वी आर ट्राइंग कि जो भी बैंक के लोन्स हैं जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो भी हमारे बीट रिटेल लेंडिंग स्कीम्स या एमएसएमई स्कीम्स या जो गवर्नमेंट के फ्लैगिक फ्लैगशिप स्कीम्स आते हैं लाइक पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स या किसान क्रेडिट कार्ड हो या मुद्रा स्कीम्स हो इन सबको हमने डिजिटाइज किया है

तो सबसे वी आर इन टू फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी तो साइबर सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट तो वी हैव अ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी सेल इन प्रेजेंस विच टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस एंड ऑल आवर फिनटेक पार्टनर्स एंड ऑल आवर दी एस टी पीज आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड Uh, if you look at the awards and accolades which our bank has earned in recent year uh, these, are the, these are some of the excellence awards which we have received and most of the awards for digitization including today has gone to us thank you so much team Elets. बिफोर वी गेट इनटू टू द प्रोडक्ट मैं एक और यूनिक चीज बताना चाहता हूं जैसे मैम ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में बताया देर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक आर ने लास्ट ईयर डिजिटल करेंसी की बात की थी जब बहुत सारी बातें होने लगी थी क्रिप्टो क्वाइंस की क्रिप्टो करेंसी की तो उस समय सेंट्रल बैंक ने कहा कि नहीं हम अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे विच विल कर दी काउंटर फिटिंग ऑफ नोट्स एंड दिस विल नॉट ओनली सेव द कॉस्ट टू सेंट्रल बैंक बट ये एक ट्रांसपेरेंट uh, प्रोसेस भी फ्लो करेगा और केस ऑफ काउंटर सबसे बड़ा इसे जो फायदा होगा हमें हाँ वो होगा काउंटर फिटिंग को कर्ब करने में तो उन्होंने 11 बैंक्स को चूज किया था लास्ट ईयर ऑन इलेवें जुलाई एंड वी आर वन ऑफ दैंक्स बैंक्स हैजिन चूजन बाई आर बी आई फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सीबीडीसीट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो इसके लिए वी आई वुड लाइक टू प्ले अ स्मॉल ईवी ऑन एवी ऑन दैट This is the future of payments and very soon the money which we are carrying in our wallets will be replaced by the money which we will be carrying in as it is in the digital form. Thank you. दैट वॉज़ द डिटेल्ड ए वी ऑन सी बी डी सी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी uh, मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल है और टू एंकरेज दिस हमारा बैंक ऑलरेडी जो कस्ट हमारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स हैं वो हमारे सी बी डी सी वॉलेट में ही डालते हैं और हम वहीं से ये सी बी डी सी करेंसी यूज़ करते हैं नाउ लेस्ट कम टू और व्यवो मैप वियो मैप हमारी ऑनलाइन ऐप है ईजीली आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं व्योम ऐप मीन्स दैट यू नेम इट एंड वी हैव इट व्योम ऐप में थ्री फिफ्टी प्लस प्रोडक्ट्स हैं यू नेम इट फॉर एग्जाम्पल एनीबडी वॉन्ट टू नेम एनी प्रोडक्ट बैंकिंग प्रोडक्ट एनी थिंग एनी इजी बैंकिंग प्रोडक्ट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड म्यूचुअल फंड योर एस आई पी योर एफ डीज योर आर डीज एनी थिंग यू नेम वी हैव इट ऑन द व्योम ऐप सो द बैंकिंग हैज़ कम टू द डोर स्टेप इफ़ यू हैव दिस ऐप आपको ब्रांच बैंक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वी ऑल ऑफ अस आर सो बिजी दिस डेज कि अपने घर के काम कर लें वही बहुत है ऑफिस के काम कर लें वही बहुत है तो बैंकिंग का काम हम सोने से दस मिनट पहले भी अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं तो थैंक्स टू दिस ऐप दैट यू विल गेट एवरी थिंग ऑन दिस ऐप फॉर एज ए सेट म्यूचुअल फंड एंड एस आई पीज ऑल्सो उसके लिए भी आपको किसी और ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप यहाँ से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑल द स्कीम्स आर ऑल्सो देयर इन दिस ऐप यू कुड अप्लाई फॉर लोन्स ऑल्सो थ्रू दिस ऐप योर हाउसिंग लोन या कार लोन एंड वेन योर क्वेरी कम्स आर ऑफिसर विल कम टू यू फॉर द नेसेसरी पेपर्स So, everything has come to the doorstep through this app. Uh, I will request uh, to play AV on ViewMap. अब मैं ब्रीफली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद जो कॉरपोरेट्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल है आई वुड लाइक टू कवर दोज प्रोडक्ट्स इन ब्रीफ़ जैसा कि मैम ने कहा हमारा व्यवमैप ऐसा ऐप है जहाँ पे यू नेम इट एंड वी हैव इट दिस इज़ फॉर द कस्टमर्स और जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं और जिन एस जर्नीज के बारे में हमने आपको बताया था

हमारी जो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज की एक्सपर्टीज़ है काफ़ी एनहांस्ड की है हम लगभग 30 साल से इस बिजनेस में हैं और क्लाइंट्स के कलेक्शंस एंड पेमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं बेसिकली वो मिड साइज कॉर्पोरेट हो लार्ज साइज कॉर्पोरेट हो या एम हो उनकी कलेक्शंस एंड पेमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट्स की कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे होंगे जिनके कलेक्शंस बहुत होंगे कई कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिनके पेमेंट्स बहुत होते हैं और कई कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिनके कलेक्शन एंड पेमेंट्स दोनों बहुत हैं तो इन दोनों तरह के कॉर्पोरेट्स में हमने रियलाइज किया कि रिकॉन्सिलियेशन का बहुत ज्यादा इशू होता है बहुत ज्यादा एक ही तरह के कलेक्शन आते हैं और आपको अपने स्टाफ लगाने पड़ते हैं उसको मैच करने के लिए स्टेटमेंट से कि कहाँ से कितना फंड आया लाइक like स्कूल है उनके फी एक ही जैसी आती है तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है और यू टी नंबर दिन भर दो तीन स्टाफ वही पूछते रह जाते हैं वैसे ही कई सारे पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बल्क पेमेंट्स के लिए बैंक के पीछे भागते रहना पड़ता है तो हमने इन दोनों के लिए एक बड़ी हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं मैं उन दोनों को कवर करना चाहता हूँ अगर हम कलेक्शन की बात करें तो शन we, we वो हंड्रेड थाउजेंड नहीं अगर लैक्स में भी आपके कलेक्शन है तो वी कैन मैनेज इट थ्रू अ फिंगर टिप वी वी कैन अलॉट वर्चुअल अकाउंट नंबर टू ऑल देनिफिशरी जहां से आपको फंडस आने हैं ऑल द ऑल दी एसोसिएट्स रेमिटर्स जो आपको फंड भेजते हैं उन सबको हम एक यूनिक आइडेंटिटी या एक यूनिक आइडेंटिटी जो आपने उनको दी है लाइक डीलर कोड रिटेलर कोड उसी को अल्फा भी हो, तो उसी को हम अकाउंट नंबर बना के फंड रिसीव कर सकते हैं और वर्चुअली फिर रिसीव करके आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा तो सिंस वी आर वी आर ऑफरिंग अूनिक आइडेंटिटी टू ऑल दी रेमिटर्स ऑल दी बेनिफिशरीज थ्रू विच यू फंडोनसाइल करना फंड को बहुत easy हो जाता है और ये एम आई एस वी आर कैपेबल टू पुश दिस एम आई एस इन टू योर ई आर पी ऑल्सो तो अगर आप कोई ई आर पी यूज कर रहे हैं तो ये वर्चुअल अकाउंट मोड ऑफ कलेक्शन जो है उस ई आर पी के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी कलेक्शन आएंगी ऐसा नहीं कि हम हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम आपको उसके स्टेटमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं लाइव बेसिस पे स्पेसिफिक टाइम पे या अगर आप चाहें तो आपके जो ईआरपी है उसमें हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं एट दी स्पेसिफिक लोकेशंस वेयर यू विश टू एंड क्यूआर कोड्स एज वी नो दीस आर द कोर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड वी आर आल्सो इनटू वी वी हैव अ एक्सपर्टीज इनटू पेमेंट गेटवे एज वी स्पीक वी आर वी कैन प्राउडली से दैट लखनऊ के कुछ ऐसे प्राइम यूनिवर्सिटीज हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी हो भारतखंडे यूनिवर्सिटी हो दे आर यूजिंग आवर पेमेंट गेट वे और इनफैक्ट वी वी आर प्राउडली एसोसिएटेड विथ इन्वेस्ट यूपी ऑल्सो एज ए पेमेंट गेट वे पार्टनर ये तो हमने कलेक्शन के बारे में बताया वैसे ही आ, अब मैं पेमेंट्स के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ पेमेंट्स में हमारे पास दोनों ऑप्शन है या पहले से तो इनफैक्ट सारे बैंक अभी आप बल्क पेमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं आप एक्सेल सीट भर के ब्रांचेस में भेज दें और वो लोग एक एक चेक से हजारों ट्रांजेक्शन वो अपने सिस्टम में फिनाकल में या जो भी वो सिस्टम यूज करते होंगे वहां से कर सकते हैं नेट बैंकिंग से अगर आप अपने नेट बैंकिंग में भी आप बल्क फाइल अपलोड करके ये पेमेंट कर सकते हैं लेकिन नेट बैंकिंग को आपके ईआरपी से इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स ऑफ और स्पेसिफिक बैंक हमने क्लाइंट्स के लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल डेवलप किया है विच वी कॉल्ड यूनिपे प्लस

Uh, मैं ब्रीफ में अगर बताना चाहूँगा इन लेमैन टर्म्स आप अपने सिस्टम में जो भी आप यूज करते हैं अपने कॉरपोरेट में मान लीजिए आप सैप यूज करते हैं वहां जाके अपने पेमेंट फाइल को जनरेट कर सकते हैं उस फाइल को इस पोर्टल पे लॉग इन आई डाल के अपलोड करके पेमेंट कर सकते हैं जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होंगी वो वापस आपके सैप में जाके अपडेट हो जाएगा स्पेसिफिक प्लेस पे कि ये सक्सेस हुआ या फेल्योर हुआ दिस विल बी डन लाइव बेसिस रियल टाइम बेसिस तो वी हैव डेवलप्ड दल एंड पेमेंट मेके इनफैक्ट अगर मैं बैंकिंग की बात करू बात करूं तो अगर आपको याद होगा आठ नवंबर दो हजार सोलह के पहले टीवी पे एड आता था पेटीएम करो एंड वी यूज टू थिंक है क्या लेकिन जब आठ नवंबर दो हजार सोलह को डिमोनिटाइजेशन हुआ तो वी वेयर क्विकली अवेयर अबाउट दी कि ये ये पेटीएम क्या है गूगल पे क्या है फोन पे क्या है एंड बिकॉज वी से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन वैसे ही अभी हमने रियलाइज किया कि आजकल की जो जनरेशन है दे आर नॉट इन टू द रियल वर्ल्ड दे आर इन टू दर्चुअल वर्ल्ड दे डोंट टॉक ए पहले हम बात करते थे मेमोरी कार्ड की चिप की पेन ड्राइव की बट आजकल की जनरेशन बात करती है आई क्लाउड की आई क्लाउड की क्लाउड मेमोरी की वैसे ही फ्यूचर ऑफ बैंकिंग हम

तो जो मैम थी बैठी थी तो यूजअली मैं कॉन्वर्सेशन uh, इनिशिएट करती हूँ इंटरेस्टेड होता है तो आगे बढ़ती है अदरवाइज आई वोंट डिस्टर्ब तो जब कॉन्वर्सेशन इनिशिएट हुई एंड शी गॉट टू नो आई एम फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो वो कपल जो था वो दस साल बाद यूएसए से इंडिया आया था एंड द लेडी द एंटायर फ्लाइट वी वर टॉकिंग और उन लेडी ने बस यही बोला कि आई एम शॉक्ड कमिंग टू इंडिया आफ्टर टेन ईयर्स यहाँ जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी बोला था यहाँ सब्जी वाले को क्यू आर कोड करो तो पैसा चला जाता है चाय uh, वाले को क्यू आर कोड करो पैसा चला जाता है एंड दे एक्चुअली टोल्ड दैट अर्ली और दे वर वेरी यूज टू बी वेरी स्केप्टिकल कि कैसे कैश कैरी करेंगे कैसे uh, होगा कैश कैश uh, की टेंशन रहती थी चोरी ना हो जाए एंड दे वर एक्चुअली अमेज्ड एंड शॉक सिंग द डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया And uh, we had a lot of talks on this and a lot of talks on digitization, IT, and banking. So, with this anecdote and with this uh, future, I thank everybody here for the patience listening. And uh, thank you, Elix, for uh, inviting us. And we are really grateful to be part of this event. Thank you so much. Thank you.